सो गाइस फायरबोल्ट ने यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जिसका नाम है फायरबोल्ट डोमिनियन। वैसे गाइस इसका जो लुक एंड फील है ना कंप्लीटली एक लग्जरी वॉच का आपको यहाँ पे देखने मिलता है। वैसे यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएंट्स है, एक है सिल्वर कलर, दूसरा है रोज गोल्ड कलर। एंड यहाँ पे क्विकली अगर मैं बॉक्स कंटेंट्स की बात करूँ तो गाइस कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे वो एक्चुअल वॉच, स्ट्रैप के लिए एडजस्टिंग नॉब, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, एक यूजर मैनुअल एंड कुछ एडिशनल कूपन। तो गाइस सारी चीजों के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभि और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर एंड रोज गोल्ड कलर में दो ऐसे वेरिएंट्स हैं जहाँ पे स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप्स उन्होंने प्रोवाइड किए। मेन जो इसका डायल है ना वो आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने मिलता है। हालांकि गाइस दिखता है ये मेटालिक बट है एक्चुअल में पॉलीकार्बोनेट। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो स्ट्रैप्स वाला पार्ट है ना उसे आप अनफॉर्चुनेटली रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं। साइड में उन्होंने कुछ नेविगेशन बटन एंड एक रोटेटिंग क्राउन प्रोवाइड किया। एंड रोटेटिंग क्राउन यहाँ पे एक्चुअल में वर्क भी करता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग देखने मिलती है। गलती से अगर पानी इसके ऊपर स्प्लैश हो जाता है टेंशन मत लीजिए, इंटेंशनली पानी में मत गिराना क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्विमिंग का वर्कआउट मोड अनफॉर्चुनेटली देखने नहीं मिलता। एंड यहाँ पे उन्होंने 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। 466x466 का रेजोल्यूशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी ब्राइटनेस है ना इंडोर्स एंड आउटडोर्स बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। एंड ऑलवेज ऑन का भी फीचर आपको देखने मिलता है। सेटिंग्स में जाके आप इसे इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना डिसेंट ब्राइटनेस के साथ आपको एनालॉग एंड डिजिटल ऑलवेज ऑन वॉच फेसेस देखने मिलते हैं। एंड गाइस इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी देखने मिलता है। जैसे कॉल आता है स्मार्ट वॉच के ऊपर इमीडिएटली आप इसे रिसीव कर सकते हो। उसी के साथ AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी प्रोवाइड किया है। तो AI वॉइस असिस्टेंट को टेस्ट करते हैं जिससे मतलब लोगों को स्पीकर की क्वालिटी का भी पता चलेगा। व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड। नवी मुंबई में फिलहाल तापमान 28 है। मौजूदा नमी के कारण ऐसा लग रहा है कि तापमान 34 है। अरे समझ गए भाई समझ। बट ठीक है गाइस, द कंक्लूजन इज यहाँ पे जो स्पीकर वाला पार्ट है ना काफी लाउड आपको सुनने मिलेगा। आउटडोर कॉलिंग के लिए भी आप इस स्मार्ट वॉच का यूज कर सकते हो। हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है। गाइस फायरबोल्ट कुछ भी कर सकता है, ब्लड ग्लूकोज भी प्रोवाइड किया इसके अंदर। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि ब्लड ग्लूकोज कैसे एक स्मार्ट वॉच निकाल सकता है, बट दिया है गाइस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको 50+ वर्कआउट मोड्स भी इसके अंदर देखने मिलते हैं। आउटडोर वॉकिंग का जो वर्कआउट मोड है ना उसे हमने टेस्ट किया था। स्मार्ट वॉच के ऊपर है ना काफी लिमिटेड से इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलते हैं। एप्लीकेशन में है ना थोड़ी बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, बट वो ब्लड ग्लूकोज का छोड़ के हार्ट रेट SPO2 के पैरामीटर्स की रीडिंग एक्यूरेट मुझे लगी। एंड फिर हम डायरेक्टली बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच के UI की तरफ। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने मिलता है। ऊपर से नीचे स्वाइप करते क्विक एक्सेस सेटिंग्स उन्होंने प्रोवाइड किए। नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने मिलता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ढेर सारे विजेट्स देखने मिलते हैं डिफरेंट हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के। एंड जी हाँ गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में स्वाइप करोगे तो क्विक एक्सेस मेन्यू आपको देखने मिलता है। यहाँ पे जो ऊपर का बटन है उसे प्रेस करते आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो। एंड ये जो बटन है इसे प्रेस करते यहाँ पे आप मेन मेन्यू में जा सकते हो जहाँ पे वर्कआउट, हार्ट रेट, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स देखने मिलते हैं। फोन कॉलिंग नोटिफिकेशन, फीमेल मेंस्ट्रुअल हेल्थ साइकिल रिमाइंडर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। स्टॉप वॉच अलार्म्स आपको देखने मिलता है। यहाँ पे ऑन द गो कैलकुलेटर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, AI वॉइस असिस्टेंट। एंड सेटिंग्स में आप ढेर सारी चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, बट यस गाइस काफी डिसेंट से UI यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर देखने मिलता है। गाइस नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, क्विक नोटिफिकेशंस आपको देखने मिलते हैं। कॉल इमीडिएटली स्मार्ट वॉच के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। SMS भी क्विकली रिफ्लेक्ट हो जाता है जहाँ पे 15 से लेकर 20 वर्ड्स का SMS स्मार्ट वॉच के ऊपर आप रीड कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट वॉच के अंदर आपको हिंदी SMS का सपोर्ट देखने नहीं मिलता। मतलब एक्चुअली इनके बजट वॉचेस के अंदर भी हिंदी SMS का सपोर्ट है बट इसमें नहीं है, पता नहीं क्यों। एंड गाइस बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 300 mAh की बैटरी उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ है ना एक दिन तक ही इसकी बैटरी लाइफ चलेगी। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के UI की तरफ। सो गाइस ये है एज बैंड एप्लीकेशन। एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको ढेर सारे विजिट्स देखने मिलते हैं हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के। एंड यस यहाँ पे वर्कआउट का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया जहाँ पे हमने आउटडोर वॉकिंग किया था। आउटडोर वॉकिंग की आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेंट सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलते हैं, कैलोरीज, हार्ट रेट, जोन, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। एंड यस गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग्स में मोर में जैसे आप प्रेस करोगे आपको ढेर सारे और भी पैरामीटर्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है, बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। नोटिफिकेशंस के पैनल में जाके यहाँ पे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पे अलार्म सेटिंग्स है। नीचे आपको हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के ढेर सारे सेटिंग्स देखने मिलते हैं।
डायल सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हो डायल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो इमीडिएटली डायल जो है यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। एंड यहाँ पे वॉच फेस गैलरी के अंदर आपको ऑनलाइन कुछ लिमिटेड वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं, डाउनलोड करके आप इसे सिंक कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो वॉच फेस को। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ग्लूकोज हो गया, ढेर सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने मिलते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया। तो गाइस काफी डिसेंट सा यूआई आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। सो गाइस ये जो फायरबोल्ट की डोमिनियन स्मार्ट वॉच है ना, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐसे दिए जिसकी रीडिंग नहीं आ सकती, बट जी हाँ गाइस ब्लूटूथ कॉलिंग बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है, डिस्प्ले भी बहुत ही प्यारा है एंड बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। वैसे गाइस इसकी प्राइसिंग है 2499 जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट गाइस डिसीजन आपका है, आपको 2499 में ये कितनी वैल्यू फॉर मनी लग रही है एंड 2999 में ये कितनी वैल्यू फॉर मनी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।